नमस्कार, एक बार फिर से एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक एकदम नए अंदाज में। अगले एक घंटे तक आप सिर्फ खबरें नहीं जानेंगे बल्कि आपको वो सच भी पता चलेगा जिसे आपसे छिपाया जाता है। मास्टर स्ट्रोक में हमारा एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है आप, यानी हमारे दर्शक। और जैसा हमने आपसे वादा किया था, मैं फिर दोहराऊंगी, हम भावनाएं दबाकर झूठ नहीं बताएंगे। राजनीति में प्रजा नीति को पीछे छोड़ने वालों पर हम सवाल करने वाले हैं। खबरों के उस अनकहे पहलू को कहना जो आपसे छिपाया हुआ है, वही बताना हमारा मास्टर स्ट्रोक होगा। किसी तरह की कोई भागम भाग नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, इत्मीनान से आपकी भाषा, आपका अंदाज और आपकी फिक्र होगी। यही है एबीपी न्यूज का नया मास्टर स्ट्रोक। तो आज जो मास्टर स्ट्रोक है, खबरों का पहला, वो आपके सामने है। जी हाँ, नजर आ गया आपको। हमारे देश में बताइए, जब विवाद होता है दो लोगों के बीच में, तो एक दूसरे से क्या कहा जाता है? कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी लोगों को यह भरोसा है कि उन्हें वहां न्याय जरूर मिलेगा। इसी तरह जब किसी मामले की जांच की बात आती है, तो चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, हर कोई सीबीआई जांच की मांग करता है। आपने कई बार ऐसे बयान सुने होंगे, सीबीआई से ही हमें जांच करवानी है क्योंकि इस संस्था पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या वो अगर इसी संस्था के नंबर वन और नंबर दो अधिकारी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे? इतिहास में पहली बार सीबीआई के अंदर की इस लड़ाई के दो मुख्य किरदार इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले तो है सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और दूसरे हैं स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना। सबसे पहले आपको पांच लाइनों में बता देते हैं आज इस खबर का मास्टर स्ट्रोक क्यों। तो भाई, सीबीआई ने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। राकेश अस्थाना ने जवाब दिया है कि यह मुकदमा तो साजिश है, क्योंकि वो निदेशक आलोक वर्मा के भ्रष्टाचार की जानकारी और उसकी जो लिस्ट है वो पीएमओ और सीवीसी को दे चुके हैं। इस लड़ाई से पीएमओ बड़ा नाराज नजर आ रहा है और इसीलिए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके सफाई भी देते हैं। सीबीआई ने अपने ही डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि राकेश अस्थाना के फेवर में उसने बयान के साथ जो है वो छेड़छाड़ की थी और ऐसा पहली बार हुआ है जब ये छापेमारी सीबीआई ने अपने ही दफ्तर पर की हो, देवेंद्र कुमार के एंटी करप्शन विंग दफ्तर को खंगाला गया हो, ये पहली मर्तबा हुआ है। ये एफआईआर की कॉपी है। आरोपी नंबर एक है राकेश अस्थाना। आरोप है कि मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को बरी करने के लिए सतीश साना से उन्होंने 2 करोड़ की रिश्वत ली। डील दुबई में हुई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के विशेष निदेशक ने भी इस एफआईआर पर पलटवार किया और कहा कि ये मुकदमा उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि वो डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ एक लंबी चौड़ी आरोपों की फेहरिस्त सीवीसी और प्रधानमंत्री कार्यालय को दे चुके हैं। इन आरोपों में सीबीआई निदेशक पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लिए जाने का आरोप भी शामिल है। सीबीआई के एफआईआर पर भी सवाल उठे। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत पीएमओ से मंजूरी नहीं ली थी। सीबीआई ने सफाई दी कि कानूनी सलाह ली गई थी, इसीलिए इजाजत की जरूरत नहीं थी। ये जो शीत युद्ध आज प्रकट होकर सामने आ रहा है, मुखर होकर सामने आ रहा है, इसमें सरकार के माध्यम से इंटरफेयर हो रहा है और सरकार भी मजबूर क्यों है? क्या व्यवस्थाएं हैं? कहीं ना कहीं किसी की जुबान बंद है, कहीं ना कहीं किसी के हाथ बंधे हुए हैं। तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कहा था, याद होगा आपको। सीबीआई देश की नंबर एक जांच एजेंसी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। मास्टर स्ट्रोक में हम वही बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं सीबीआई में लोगों की कमी कितनी है, सीबीआई में कुल नौकरियां कितनी है, वो आपके सामने आंकड़ों में सामने होगा। 7274 नौकरियां सीबीआई में है और खाली पद कितने हैं, 1329 पद अभी खाली पड़े हुए हैं। स्पेशल और एडिशनल डायरेक्टर के 3 पद है उनमें और जॉइंट डायरेक्टर के 8 पद शामिल है। इसके अलावा डीआईजी से लेकर कांस्टेबल तक के सैकड़ों ऐसे पद है साहब जो खाली पड़े हुए हैं।
मैन पावर की कमी है, ऐसे में सीबीआई जांच की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा स्लो है, धीमी है। अगला आंकड़ा आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 31 दिसंबर 2017 तक सीबीआई में कुल 1,365 केसेस पेंडिंग थे, 1,365 केसेस पेंडिंग थे। 2016 में सीबीआई में 33.27% केस लटके ही रहे। 2017 आते आते थोड़ा कम हुआ आंकड़ा, लेकिन कितना कम हुआ सब आप देख लीजिए, पहले 33.27% और 2017 में सीबीआई में 33.10% केस लटके रहे। तो 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई बनी थी, इस पर कई बार आरोपी लगे, लेकिन उसने एक से बढ़कर एक शानदार काम भी किया। हालांकि 10 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा और 55 साल बाद 2018 में सीबीआई के नंबर वन और नंबर टू अफसरों की लड़ाई ने उस पर काला दाग लगा दिया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि सीबीआई को आज अपने ही दफ्तर पर छापेमारी करनी पड़ी। ये लड़ाई आज की नहीं है। आरोप है कि आलोक वर्मा अपने आदमी को सीबीआई में लाना चाहते थे, लेकिन राकेश अस्थाना ने ऐसा होने नहीं दिया। जब राकेश अस्थाना के प्रमोशन का वक्त आया तो सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने उनकी शिकायत सीबीसी से की, बावजूद इसके उनका प्रमोशन हुआ। राकेश अस्थाना ने अगस्त महीने में सीबीसी और पीएमओ को लंबी लिस्ट दी और आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके बाद आलोक वर्मा ने एक एक कर कई बड़े केसेस से राकेश अस्थाना को हटा दिया और आखिरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने वाली भाजपा सरकार के लिए सीबीआई की लड़ाई साल 2019 में घातक साबित हो सकती है, क्योंकि विपक्ष इस बात को मुद्दा बना सकता है कि मोदी सरकार जिस एजेंसी के जरिए भ्रष्टाचार को रोकने का दावा करती है, उसी एजेंसी के टॉप टू अधिकारी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब इस खबर का मास्टर स्ट्रोक क्या है? एक सवाल है इसका मास्टर स्ट्रोक। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसकी चोट बहुत गहरी है। सारे विवाद सीबीआई सुलझाती है, अब सीबीआई का विवाद बताइए कौन सुलझाएगा? यह है मास्टर स्ट्रोक। और अब खबरों का अगला मास्टर स्ट्रोक उनके लिए जो बिना सोचे समझे जाने बूझे कश्मीर में सेना पर सवाल खड़े कर देते। कश्मीर में बात बात पर बंद बुलाना एक फैशन बन गया है। अलगाववादी हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कैसे घाटी का माहौल देश और सेना के खिलाफ बनाया जाए। देश बांटने की सोच रखने वाले इन लोगों ने इस बार कुलगाम एनकाउंटर के दौरान 7 नागरिकों की मौत को बहाना बनाया। इसी सोच पर चोट करता यह अगला मास्टर स्ट्रोक, लेकिन पहले 5 लाइनों में आपको बता दें कि कश्मीर में हुआ क्या कुछ। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक जैसे अलगाववादियों ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 7 नागरिकों की मौत के विरोध में यह बंद बुलाया गया। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति और ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया। सेना के मुताबिक एनकाउंटर के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोगों की भीड़ आतंकियों के ठिकाने की तरफ बढ़ी जहां धमाका हुआ और उसकी वजह से नागरिकों की मौत हो गई। सरकार की तरफ से मारे गए सभी लोगों के परिवारों के लिए 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। कश्मीर में ऐसे नारे आतंकियों के जनाजे में तो लगते थे, लेकिन अब एक नागरिक की मौत पर भी वही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तस्वीर कश्मीर के कुलगाम की है, जहां कल सेना के ऑपरेशन के दौरान मारे गए जावेद के अंतिम संस्कार के लिए ये भीड़ जुटी। सेना के ऑपरेशन में 7 नागरिकों की मौत हुई थी। ये तस्वीर उसी ऑपरेशन की है। आप देखिए किस तरह एनकाउंटर साइट पर लोग इकट्ठा है। सेना ने बताया जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ तो कई लोग उस घर की तरफ बढ़ गए जहां 3 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी था, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया और 7 नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ गुस्सा हो गई, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने लगी। इस झड़प में कई लोग घायल भी हो गए।
इसलिए मैं हमने तहकीकात के बाद ये फैसला किया है कि इनको हम एक्सक्रेशन लीव 1 लाख रुपये फी कस जो अमवात हुई है उनको अदा करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पे इंजरीज हुई है लोगों को उसमें भी हम 10,000 रुपये फी कस इंजर्ड पर्सन जो है अदा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत अफसोस वाली ये बात है कि नागरिकों की जान गई, ये नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन एक बात समझनी होगी आपको, सेना जब भी कोई ऑपरेशन करती है लोगों से वहां की अपील करती है कि वो उस जगह से दूर रहे। इसके बावजूद देखा क्या जाता है, स्थानीय लोग सेना के ऑपरेशन में खलल डालते हैं, कभी पत्थरबाजी होती है, कभी नारेबाजी होती है। इसकी वजह है आतंकियों के बहकावे में आने वाले युवाओं की बढ़ती संख्या। बीते 4 सालों के आंकड़ों पर आप गौर कीजिए, 2014 में 53 कश्मीरी युवा आतंकी संगठन में शामिल हुए हैं अलग अलग, 2015 में 66 थे, 2016 में 88, फिर 2017 आते आते ये संख्या 127 तक पहुंच गई। इसी साल सिर्फ जून तक 75 कश्मीरी युवा, जिनमें से कई पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे, वो आतंक के रास्ते पर बढ़ चुके हैं। कश्मीर में ये आतंकी आम नागरिक के बीच घुस चुके हैं, पता नहीं चलता है, आइडियोलॉजिकल सीड्स जो है या बीज जो है वो अंदर बोने की कोशिश होती है जहनों में। ऐसे में कई बार सेना के लिए पब्लिक और आतंकी में फर्क करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जब लोग सेना के खिलाफ ही नारे लगा रहे हों। ये उस वक्त की तस्वीर है जब कुलगाम एनकाउंटर में घायल नागरिकों को अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल के बाहर भी आजादी के नारे लगने लगे। बताया गया कि इसमें मारे गए लोगों के परिवार भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल उन लोगों पर है जो सेना पर सवाल उठाते हैं। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते। सच्चाई ये है कि दुनिया के दूसरे देशों की सेनाएं कभी अपने लोगों के बारे में उतना नहीं सोचती जितनी भारतीय सेना सोचती है। कभी भी कहीं भी कोई आपदा हो, भारतीय सेना सबसे पहले वहां पहुंचती है। अभी अमृतसर रेल हादसा याद कीजिए, सेना के जवान सिर्फ इसलिए वहां पहुंच गए ताकि घायलों को खून दिया जा सके। चेन्नई, केरल और कश्मीर की भयंकर बाढ़ में भारतीय सेना ने किस तरह बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की, ये सब ने देखा। इतना ही नहीं, भारतीय सेना कभी भी पक्षपात नहीं करती। पिछले साल एक पत्थरबाज को अपनी जीप के बोनट पर बांधने के बाद चर्चा में आए मेजर लीथुल गोगोई पर जब एक स्थानीय महिला के साथ संबंध के आरोप लगे तो सेना ने ही उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया। इसी तरह 2010 के माचल एनकाउंटर के फर्जी होने के आरोप में सेना ने अपने 6 लोगों का कोर्ट मार्शल भी किया। एक बात बिल्कुल तय मान लीजिए, भारतीय सेना का मनोबल नहीं गिर सकता है, नामुमकिन है, ये उसे गिराना आसान नहीं है। लेकिन जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनके बल पर बार बार चोट होनी ही चाहिए, यानी सेना का मनोबल गिराने वालों पर चोट आज की तारीख में बार बार बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि राजनीति ने कैसे आज दिल्ली को रोकने की कोशिश की। लोगों की गाड़ियों की जो टंकी है ना साहब, वो तो एकदम खाली थी, लेकिन सियासत फुल रही। सबसे पहले 5 लाइनों में जान लीजिए कि आज तेल का खेल रहा क्या कुछ। दिल्ली में वैट कम करने के लिए 400 पंप मालिकों ने 24 घंटे हड़ताल की। कई लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिले। ओला और उबर जो है उसकी कम किराए और दिल्ली सरकार की परिवहन नीतियों के खिलाफ ऑटो और टैक्सी वाले भी हड़ताल पर रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल पंप की हड़ताल को बीजेपी की साजिश बताया। कहा, महाराष्ट्र में हड़ताल क्यों नहीं करते बताइए, वहां सबसे ज्यादा टैक्स है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि लोगों की जिंदगी का सवाल है, लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे हैं। इस महीने केंद्र सरकार के 2.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने वैट घटा दिया था, लेकिन दिल्ली ने वैट नहीं घटाया। दिल्ली के लोगों पर दोहरी मार पड़ी, पेट्रोल डीजल नहीं मिले और ऑटो टैक्सी मिलने में भी मुश्किल हुई। 3-4 पेट्रोल पंप पे जा चुका हूँ, सभी ऐसी बिना विदाउट रीजन की। अगर प्री को पहले मिलता तो हम कम से कम टंकी फुल करवा के रख। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, वो तो सडनली अब पता चला था जब मैं सीपी से ढूंढती भी आ रही हूँ। ऑफिस जाना है, ऑफिस वालों को क्या जवाब देंगे हम? ऑफिस जाना है मैम, बड़ी दिक्कत हो रही है, ऑफिस जाने में लेट हो रहे हैं, पहला दिन ही है आज। जनता परेशान थी तो पंप मालिक और टैक्सी ऑटो वाले दिल्ली सरकार पर दोष मढ़ रहे थे। दिल्ली सरकार इसे बीजेपी की साजिश बता रही है।
अभी जब सेंटर ने एक्साइज हटाई थी तो आसपास के राज्यों ने अपना वैट हटा के एक आम आदमी को 5 रुपए तक की रिलीफ दी थी, जबकि दिल्ली में सिर्फ 2.5 रुपए का इफेक्ट आया था एक्साइज का। 4 मेट्रो शहरों में तेल का दाम दिल्ली में सबसे कम है। सबसे ज्यादा कीमत का तेल बेचने वाले मुंबई के पंप क्यों नहीं हड़ताल कर रहे? क्योंकि मुंबई में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आज की हड़ताल के पीछे बीजेपी ही है। बीजेपी को दिल्ली के लोगों से हर हाल में माफी मांगनी चाहिए। सारी लड़ाई वैट की है। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में सारे मेट्रो शहरों से सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल है, फिर वैट क्यों घटाए? दिल्ली में पेट्रोल पर 27% और डीजल पर 17.32% वैट है। मुंबई में ये 38.32 और 24.73% है। दिल्ली के पंप मालिक कह रहे हैं कि पड़ोसी यूपी और हरियाणा में पेट्रोल डीजल सस्ता है क्योंकि वहां वैट घटाया गया है और इसी कारण उनकी बिक्री 25% गिर सकती है। बीजेपी शासन वाले यूपी में 25.44 और 16.88% वैट है, वहीं हरियाणा में पेट्रोल पर 26.25% और डीजल पर 17.22% वैट लगता है। तो तेल का खेल कैसे होता रहा ये तो समझिए आप। केजरीवाल बीजेपी पर और बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साधते रही। दिल्ली में ये खेल चलता रहता है लेकिन पिस्ती कौन है? आप और हम, जनता। पेट्रोल डीजल का वैट हमारे और आपके जेब का मुद्दा है और बहुत अहम मुद्दा है, आपको ये जानना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये 7 लोकसभा सीट की लड़ाई है, ये कोई आपको नहीं बताएगा। सीधा गणित ये है कि 2014 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीट बीजेपी के पास आई। इस बार केजरीवाल ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली में वैट घटाते हैं तो यहाँ की कमाई कम हो जाएगी। 2017-18 में अब तक दिल्ली ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के वैट से 3,930 करोड़ राजस्व हासिल किया है। दिल्ली की कुल कमाई का 10% हिस्सा पेट्रोलियम पर वैट से आता है। अब अगर कमाई कम होगी तो दिल्ली सरकार की दूसरी योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा। ऐसे में जब बीजेपी ने वैट की बॉल डाली है तो केजरीवाल दूसरे राज्यों का उदाहरण देकर इसे खेलना चाहते हैं। कि DPDA ये संस्था है, दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन, और ये 7 दिन पहले भी ये लोग मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम कुछ भी कर लो वैट नहीं घटाएंगे। केजरीवाल 21 अक्टूबर से दिल्ली में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उतर चुके हैं, घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में पहला दाव पेट्रोल डीजल पर वैट है, हालांकि इसमें पिस आम जनता रही है। तो ये बात सही है कि देश को चलाने के लिए टैक्स बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन टैक्स इस कदर बोझ ना बन जाए कि जनता उसके तले ही दब जाए। राजनीति में टैक्स के नाम पर जनता को बलि का बकरा मत बनाइए, ये हर उस पार्टी के CM से हमारा कहना है। केरला में एक नन के साथ बलात्कार होता है, आरोप लगा चर्च के बिशप पर, आरोपी बिशप को जमानत मिली तो लुधियाना में फूलों से उसका स्वागत हुआ और उसके कुछ दिनों बाद ही बिशप के खिलाफ गवाही देने वाले फादर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या इस मौत का उस बलात्कार की घटना से कोई संबंध है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले 5 लाइनों में आपको बताते हैं ये पूरा का पूरा मामला है क्या। जालंधर के सेंट पॉल्स चर्च में रहने वाले फादर कुरियाकोस का शव आज उनके कमरे में मिला। फादर कुरियाकोस केरल के नन रेप केस में अहम गवाह थे। कुरियाकोस के परिवार का आरोप है कि ये सीधे तौर पर हत्या है। 17 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद आरोपी बिशप फ्रैंको जालंधर लौटा था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चल जाएगा। 5 दिन पहले की ये तस्वीर जालंधर की है। उसी दिन बलात्कार का आरोपी बिशप फ्रैंको जमानत लेकर लौटा था। समर्थकों ने उस पर फूल बरसाए और आज फ्रैंको के खिलाफ गवाही देने वाले फादर का शव भी जालंधर में ही मिला है। पुलिस कह रही है डेड बॉडी के पास ब्लड प्रेशर की कुछ गोलियां मिली है। कोई घाव नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है फिलहाल, कोई यही बताया उन्होंने भी बेड के ऊपर उल्टी आई है और वहां से अंदर से एक ब्लड प्रेशर की एक टेबलेट भी मिली है। पुलिस कुछ साफ साफ नहीं कह पा रही है, लेकिन बलात्कार का आरोप लगाने वाली नन का भाई कह रहा है कि बिशप फ्रैंको जब से जमानत लेकर जालंधर लौटा है तब से फादर कुरियाकोस डरे हुए थे।
फ्रैंक बिशप जलंधर आ गया है, मेरे को डर है कि ये बंदा, ये इंसान बहुत खतरनाक इंसान है। ये फादर कुरियाकोस ने बहुत बार किया है, ये मौत की खबर सुनी ही मैनू लगा है कि ये बहुत दुख खड़ना है, शायद इसमें कोई फाउल प्ले जरूर होंगे, को लग रहा है ये प्री प्लान्ड मर्डर है। फादर कुरियाकोस के भाई को भी यही डर है, उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। जालंधर के बिशप हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि फादर को बीपी की समस्या थी, लेकिन जिस तरह शव मिला है संदेह काफी गहरा है। तो एक पादरी पर रेप के आरोप के बावजूद फूलमाला से उसका स्वागत किया जाता है, वो भले ही बिशप के पद से इस्तीफा दे देता हो, लेकिन मीडिया से जब बात करता है तो बिशप की कुर्सी पर बैठकर करता है। यही नहीं, रेप का आरोप लगाने वाली नन का जो कोई भी समर्थन करता है, जो भी सिस्टर, जो भी नन, उसे ड्यूटी से अलग कर दिया जाता है, और अब उसके खिलाफ गवाही देने वाले फादर की मौत हो जाती है। वहीं चर्च के एक फादर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली नन और उसके समर्थन में खड़ी सिस्टर्स इंसाफ के इंतजार में आंसू बहा रही है, और उनकी लड़ाई में उसका साथ देने वाला फादर अपने कमरे में दम तोड़ देता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ गवाहों की सुरक्षा के लिए कोई कानून ही नहीं है। 2006 में लॉ कमीशन ने गवाहों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की सिफारिश की थी, उन सिफारिशों को सभी राज्यों को भेजा गया, लेकिन उसे लेकर राज्यों में सहमति नहीं बनी और फिर उसके आगे कुछ हुआ नहीं। यही नहीं, अपराधों के आंकड़े जुटाने वाली संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गवाहों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं रखता। भारत में आज भी 70% कामकाजी औरतें अपने साथ हुए किसी भी हैरेसमेंट, किसी भी यौन उत्पीड़न की शिकायत करती ही नहीं है, लेकिन ट्विटर के 140 कैरेक्टर्स ने, जो कमेंट्स में आप डालते हैं या प्रोफाइल में आप डालते हैं, देश के विदेश राज्य मंत्री के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। उसी देश में एक नन की एफआईआर दर्ज करवाने के बावजूद आरोपी बिशप को फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया जाता है। इस खबर का मास्टर स्ट्रोक क्या है? यही कि हैशटैग मीटू के नाम पर झंडा बुलंद करने वाले एक्टिविस्ट एक नन के मामले में आखिर क्यों चुप बैठे हुए हैं? महिला से यौन शोषण को लेकर सेलेक्टिव अप्रोच बंद होनी चाहिए, यह है मास्टर स्ट्रोक। खबरों का अगला मास्टर स्ट्रोक जानलेवा सेल्फी पर है। सेल्फी यानी खुद ही के मोबाइल कैमरे से अपनी तस्वीर खींचना। आपने भी जरूर सेल्फी ली होगी एक आध बार। ये क्रेज बीते 5-6 साल में दुनिया भर में बढ़ा है और इस कदर बढ़ गया है कि 2013 में सेल्फी इस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि सेल्फी का क्रेज जान की कीमत से ज्यादा हो चला है। बेहतरीन और अलग अलग तरह से सेल्फी लेने के लिए कई लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुके हैं और हिचकिचाते नहीं है ऐसा करने में। आज हमने ये मुद्दा खासकर आपके लिए चुना है, क्यों ये बताने के लिए 5 लाइनों में आप इसकी मुख्य खबर को जान लीजिए। दरअसल मुंबई गोवा क्रूज के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली, जो वायरल हो गई है। अमृता के बॉडीगार्ड और डीसीपी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, आग्रह किया, लेकिन अमृता नहीं मानी। अमृता का सेल्फी वीडियो जो है जब मीडिया में आया तो उन्होंने माफी मांगी, खेद जताया। वहीं अमृतसर के ट्रैक पर हादसे से ठीक पहले लोगों की सेल्फी लेते और वीडियो बनाते तस्वीर वायरल हो रही है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि दुनिया में सेल्फी लेने के चक्कर में सबसे ज्यादा मौत भारत में होती है। ये है अमृता फडणवीस। शनिवार को मुंबई गोवा क्रूज सर्विस शुरू हुई तो सेल्फी के शौक ने उन्हें क्रूज की रेलिंग पार करवा दी, बिल्कुल किनारे जाकर बैठ गई। सुरक्षा कर्मी पीछे आने की गुजारिश कर रहे थे लेकिन वो मानी नहीं। पुलिस वाले रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन अमृता फडणवीस अलग अलग पोज में सेल्फी लेती रही। मुख्यमंत्री भी क्रूज पर थे लेकिन वो दूसरे लोगों के साथ व्यस्त थे। वीडियो वायरल हुआ तो माफी मांगते हुए सफाई दी, मैं जिस जगह बैठी थी वो सुरक्षित जगह थी, मैं क्रूज के डेक पर सेल्फी लेने नहीं बल्कि शुद्ध हवा के लिए बैठी थी। अगर इस वजह से किसी को कोई गलत फहमी हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ। सवाल सिर्फ अमृता का नहीं है, बात है जान जोखिम में डालने के जुनून की। जैसे अमृतसर में 60 से ज्यादा लोग जब ट्रेन की चपेट में आए, उस वक्त कई लोग ट्रैक पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे,
वीडियो बना रहे थे और लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और उसी दौरान रौनती चली गई ट्रेन। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह देश में सेल्फी लेने के चक्कर में बीते कुछ सालों में कितनी जाने गई है। 2015 में या 2015 से अभी तक दुनिया भर में सेल्फी लेने के चक्कर में 241 जाने लोग गवा चुके हैं। इनमें से 150 सिर्फ भारत में ही गई है जान, जबकि रशिया में यानी रूस में 16 लोगों ने सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गवा दी है। पाकिस्तान में भी सेल्फी लेने के चक्कर में बीते 3 साल में 11 लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। सेल्फी के चक्कर में जान जो गई है वो आपके सामने आंकड़ों में है। दुनिया में 241, भारत में 150, रशिया में 16, अमेरिका में 14 और पाकिस्तान में 11। तो दुनिया में सेल्फी लेने के चक्कर में सबसे ज्यादा मौत भारत में हो रही है, बावजूद इसके युवा मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आलम यह है कि सेल्फी का शौक अब कई युवाओं में एक मनोवैज्ञानिक बीमारी में तब्दील हो चुका है। बहुत ध्यान से सुनिए इसे। यह है डेंजरस सेल्फी का साइड इफेक्ट। ये वीडियो विदेशी है लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। अब ये दो वीडियोस देखिए। अंबाला में आदि नाम का छात्र सेल्फी के शौक में हाई टेंशन वायर से चिपक गया, मौत हो गई। उधर नीमच के झरने में नहाते वक्त सेल्फी के शौक ने एक लड़के की जान ले ली। हादसा बताकर नहीं होता, इसीलिए सेल्फी का शौक अब सिर्फ शौक नहीं बीमारी बनता जा रहा है। अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने हद से ज्यादा सेल्फी लेने के शौक को अब आधिकारिक तौर पर मेंटल डिसऑर्डर करार दिया है। इस डिसऑर्डर को सेल्फाइटिस कहा जाता है। सेल्फाइटिस के लक्षण भी ध्यान देने लायक है। अगर कोई रोज 3 सेल्फी लेता है लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता तो उसमें बॉर्डरलाइन सेल्फाइटिस के लक्षण है। रोज 3 या ज्यादा सेल्फी पोस्ट करने वाले में अक्यूट सेल्फाइटिस के लक्षण होते हैं। 6 से ज्यादा सेल्फी लेने और पोस्ट करने वालों में क्रॉनिक सेल्फाइटिस के लक्षण होते हैं। कई लोग अच्छी सेल्फी ना आने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कई लोग अच्छी सेल्फी की चाह में अलग अलग सर्जरी करा रहे हैं। हम अपनी खुशी एक वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं। इस तरह की चीजें आपको और डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी और स्ट्रेस में लाकर खड़ा कर देते हैं। स्ट्रेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे कुछ उपायों से सेल्फी ऑब्सेशन से बचा जा सकता है। किसी रचनात्मक काम में दिल लगाइए, बेवजह स्मार्टफोन का इस्तेमाल मत कीजिए, कोई उद्देश्य तय कीजिए और उस पर जुटिए। आपको पता है रूस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सेफ सेल्फी कैंपेन चलाया था। इसका मकसद ये था कि युवाओं को ये बताया जाए कि सेल्फी लेते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सेल्फी के चक्कर में बड़े बड़े कार्यक्रमों में गड़बड़ियां आजकल फैलने लगी है और यही कारण है कि पिछले साल ऑस्कर अवार्ड कमिटी ने ऑस्कर के दौरान किसी भी तरह की सेल्फी लेने पर बैन लगा दिया था। बहरहाल इस खबर का मास्टर स्ट्रोक क्या है कि सेल्फी के चक्कर में जान मत गवाइए, जान बची तो लाखों पाए, सेल्फी के चक्कर में जान ना गवाएं। आज की इन सारी बड़ी खबरों के मास्टर स्ट्रोक के साथ आपसे इजाजत लेनी होगी। मुलाकात आपसे कल होगी यानी मंगलवार को रात 8:49 पर बड़ी खबरों के मास्टर स्ट्रोक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।